तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम छंद। छंद की परिभाषा है मात्रा वर्ण या दोनों के निश्चित क्रम संख्या के साथ ही विराम गति या लय तुक आदि से युक्त रचना को छंद कहते हैं। अर्थात आप यह कह सकते हो कि छंद में मात्रा भी होगा, वर्ण भी होगा, गण भी होंगे, तुक भी होंगे और विराम भी होगा। इन सभी से परिपूर्ण जो रचना है उसे हम छंद कहते हैं। उन सबसे जो परिपूर्ण रचना उसे हम छंद कहते हैं। और छंद के अंग, छंद के कुछ अंग हैं, जैसे पहला वर्ण, दूसरा मात्रा, तीसरा चरण, चौथा यति और पांचवा गति और छठवा है तुकान और सातवा है गण। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है वर्ण। वर्ण या अक्षर उस छोटी सी छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसे खंडन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसे खंडन नहीं किया जा सकता उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है मात्रा। मात्रा जब किसी अक्षर को पढ़ते हैं तो उसमें जो समय लगता है, पढ़ते समय जो समय लगता है उसे ही मात्रा कहा गया। जहां पे कम समय लगता है उसे लघु के रूप में काउंट किए जाते हैं और जहां पे ज्यादा समय लगता है उसे गुरु के रूप में काउंट किए जाते हैं। गुरु को दो काउंट किया जाता है और लघु को एक काउंट किए जाते हैं। जैसे आ की मात्रा है वहां लघु होगा और आ की मात्रा है वहां गुरु होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्रा और इस प्रकार से काउंट किए जाते हैं। और आप यह भी जानते हो कहीं कहीं पर छंद के आधार पर गलत भी लिखे जाते हैं, जैसे रूपेश। ठीक है, और रूपेश अगर हम ये रूपेश लिखते हैं तो वास्तव में यहाँ पे गुरु हो जाए और ये रूपेश लिखते हैं तो यहाँ पे लघु। छंद के आधार पर अगर हमें गुरु की आवश्यकता है तो हम ये रूपे लिखेंगे, अगर लघु की आवश्यकता है तो हम ये रूपे लिखेंगे। तो इस प्रकार से मात्रा जो है स्पष्ट हो गया। और अगला है चरण। चरण प्रत्येक छंद में चरण होते हैं। कुछ छंद ऐसे होते हैं जिसमें चार चरण होते हैं और कुछ छंद ऐसे होते हैं जिसमें तीन, दो चरण होते हैं, छह चरण होते हैं। सभी छंद का अलग अलग चरण होता है। चरण अर्थात पंक्ति को ही चरण कहा जाता है और कुछ छंद में समचरण होता है, विषम चरण होता है। जैसे गणित में आप सम संख्या पढ़ते हो और विषम संख्या पढ़ते हो, ठीक वैसे ही इसमें भी समचरण और विषम चरण होता है। जैसे इस प्रकार से लिखा गया पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे विषम चरण पहला जो है विषम चरण और तीसरा, ठीक है, और दूसरा और चौथा जो है समचरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से उसके बाद है यति। यति छंद को पढ़ते समय या बोलते समय हम जहां पे विराम लेते हैं, रुकते हैं या ठहरते हैं उसे यति या विराम कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है गति। प्रत्येक छंद का एक गति को ही प्राण माना गया है क्योंकि इसी से ही छंद का पहचान होता है, इसी से ही छंद को पहचाना जाता है। गति अर्थात सुरताल, प्रत्येक छंद का एक सुरताल होता है। जैसे चौपाई रघुकुल रीति, इस प्रकार से उसके सुरताल होते हैं। प्रत्येक छंद का अपना एक अलग सुरताल होता है। और उसके बाद है तुकान, प्रत्येक छंद के प्रथम पंक्ति के अंत में और अंतिम पंक्ति के अंत में जो इस प्रकार से तुक मिलते हैं। ठीक है, मां और मां अर्थात दोनों पंक्ति में मां आया है अर्थात ये तुकान है, तुक मिल रहे हैं। और कुछ कुछ ध्वन्यात्मक तुकान होते हैं, ये वर्णात्मक तुकान है, कुछ ध्वन्यात्मक तुकान होता है जैसे वै और वै। दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों को पढ़ने में एक जैसा लगता है, वै और वै। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे वे और दे, जैसे वे और दे, ये जो है ध्वन्यात्मक तुकान है वे और दे, पढ़ते समय एक जैसा लगता है लेकिन वास्तव में दोनों एक नहीं है। और उसके बाद है गण। गण की संख्या जो है व्याकरण शास्त्र के अनुसार आठ कहा गया है। और गण को जानने के लिए हमें ये मात्रा, गण को जानने के लिए सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा या माताराज भानसल का, या माताराज भानसल का। जैसे आठ की संख्या कहा है, गण की आठ संख्या कहा गए तो इसमें या माताराज भानसल का अगर ये सूत्र आपको याद है तो सहजता के साथ आप जो है गण को पहचान जाएंगे, गण को जान जाएंगे। तो इसका तीन अक्षर लेना है, इस प्रकार से या माता,
फिर एक को छोड़ना है फिर तीन लेना है, जैसे या तो हमने छोड़ दिया फिर माता रहा, फिर एक छोड़ना है फिर तीन लेना है, इस प्रकार से आठ की संख्या आएगा। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा और ये आठवा। अगर ये सूत्र गलत होगा तो ये आठ नहीं आएंगे, सात हो सकते हैं, छह हो सकते हैं या फिर नौ या दस आएंगे। अगर ये सूत्र सही है तभी आपका आठ की संख्या में ये आएगा। ठीक है, और ये हम लिखने के बाद जो मात्रा है वो लगाएंगे, जैसे यह है तो यहाँ लघु, यहाँ आठ की मात्रा लगाए दोनों में तो दोनों में गुरु गुरु आ जाएगा, और यहाँ तीनों में गुरु गुरु है अर्थात आठ की मात्रा है तो गुरु गुरु हो जाएंगे। और इस प्रकार से मात्रा लगाने के बाद उसे हम यहाँ लिखते हैं स्पष्ट रूप से, और स्पष्ट रूप से लिखने के बाद पहला अक्षर को लेकर गण का नाम लिया जाता है। जैसे पहला अक्षर इसमें या है तो या गण, मा है तो मगण, ता है तो तगण, और रा है तो रगण। इस प्रकार से कभी कभी परीक्षा में केवल गणों का नाम पूछा जाता है, कहा जाता है ये कौन से गण है नाम बताइए। ठीक है, और इस गण का नाम जानने के लिए हमें इस सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा, और इस सूत्र के सहारे से हम ये निकालेंगे और ये आ जाएगा, और आने के बाद हम जान जाएंगे कि ये कौन सा गण है, ये मगण है। ठीक है, और ये नगण है, ऐसे हम जान जाते हैं। तो स्पष्ट हो गया, तो ये आपके छंद के अंग है, और छंद के अंग इस प्रकार से होते हैं, और उसके बाद आता है छंद के भेद। छंद के दो भेद है, दो भेद हैं, जैसे वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। जब वर्णों के आधार पर उसका काउंट किया जाता है तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं, और मात्रिक छंद जब मात्राओं के आधार पर उसका काउंट किया जाता है तो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।